नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज शाम की बड़ी खबरें। 1,29,00,000 लाडली बहनों के लिए खुशखबरी। 13वीं किस्त के 1,250 रुपये बैंक खातों में ट्रांसफर। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। आपको बता दें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1,29,00,000 लाभ्यर्थी बहनों के लिए खुशखबरी है। राज्य के मोहन यादव सरकार द्वारा योजना की 13वीं किस्त के 1,250 रुपये लाभ्यर्थी बहनों के खातों में भेज दिए गए हैं। इसकी जानकारी खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करके दी है। सीएम मोहन यादव ने पोस्ट में लिखा है कि आज के दिन लाडली बहनों के लिए बहुत खास है। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त आज बहनों खातों में ट्रांसफर हुई है। मैं लाडली बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। लाडली बहना योजना पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा मई 2023 में शुरू की गई थी। इसमें 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपये देने का फैसला किया गया था और फिर इसकी पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी। इसके बाद रक्षाबंधन 2023 पर राशि को बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दिया गया था। अब इस योजना के तहत 1,250 रुपये महीना के हिसाब से महिला को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं। योजना के नियम के तहत हर महीने की 10 तारीख को करोड़ों बहनों के खातों में 1,250 रुपये भेज जाते हैं, लेकिन बीते कई महीनों से किस्त समय से पहले जारी की जा रही है। इस बार भी लोकसभा चुनाव के नतीजों के जारी होने और आचार संहिता खत्म होने के साथ ही 13वीं किस्त आज 7 जून को बहनों खातों में भेज दी गई है। इंडिया बिलोक सोनिया से मिलकर कमलनाथ बोले चंद्रबाबू नीतीश पर नजर। महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद ने कांग्रेस को समर्थन दिया। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद आज 7 जून तीसरा दिन है। इंडिया बिलोक में गहमागहमी का दौर जारी है। महाराष्ट्र के सांगली से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले विशाल पाटिल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को समर्थन देने का ऐलान किया है। उधर दिल्ली में कमलनाथ ने सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। बाहर निकलने के बाद कमलनाथ ने कहा कि हम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर नजर बनाए हुए हैं कि वे क्या कर रहे हैं। आज मुंबई में कांग्रेस नेताओं की बैठक दोपहर 1 बजे होगी। इसमें नव निर्वाचित सांसद शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में 8 जून को पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। नीतीश ने कहा मैं हमेशा मोदी के साथ रहूंगा। आपको बता दें दिल्ली में शुक्रवार को एनडीए की बैठक हुई। पीएम नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। ये बैठक 2 घंटे से ज्यादा चली। गठबंधन के 13 नेताओं ने भाषण दिया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश के भाषण और उनकी एक वायरल वीडियो की हो रही है। वही चिराग पासवान जब भाषण देकर मोदी के पास पहुंचे तो पीएम ने उन्हें गले लगा लिया। दरअसल नीतीश से भाषण देने के बाद मंच की तरफ आए तो उन्होंने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। जैसे ही नीतीश कुमार पैर छूने को बढ़े तो मोदी ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई। नीतीश ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीएससी 2021 के टॉप 10 में 7 बेटियां, 24 डिप्टी कलेक्टर में 12 लड़कियां। उज्जैन के भाई बहन का एक साथ चयन। आपको बता दें एमपीपीएससी ने गुरुवार श्याम राज्य सेवा परिषद 2021 की फाइनल चयन सूची जारी कर दी है। अलग अलग विभाग के चयनित अभ्यर्थियों के साथ ही अनुपूरक सूची भी तैयार की गई है। ओबीसी आरक्षण मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण इस बार भी 87% अभ्यर्थियों का ही परिणाम आया है। फाइनल नतीजों में टॉप 10 में से 7 लड़कियां हैं। 24 डिप्टी कलेक्टर्स की लिस्ट में 12 बेटियों ने जगह बनाई है। रायसेन की अंकिता पाटकर 1575 में से 942 अंक हासिल करके पहले स्थान पर रही। उज्जैन की राजनंदिनी ठाकुर और उनके भाई अर्जुन सिंह ठाकुर का एक साथ डिप्टी कलेक्टर पद के लिए चयन हुआ है। मोदी बोले एनडीए मतलब न्यू। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 7 जून को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के संसदीय दल के नेता चुन लिए गए हैं। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। मोदी ने अपने 72 मिनट के भाषण में एनडीए की अहमियत, विकास, डेमोक्रेसी और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। इस स्पीच में उन्होंने सबसे ज्यादा बार एनडीए का नाम लिया। 13 बार भारत, 9 बार अलायंस, 6 बार 4 जून, 5 बार ईवीएम और 1 बार विपक्ष ईडी गठबंधन का नाम लिया। नरेंद्र मोदी ने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के साथ की। उन्होंने सभागृह में मौजूद एनडीए घटक दलों के सभी नेताओं का आभार जताया। मोदी ने एनडीए को न्यू डेवलप्ड एरिडेशन इंडिया बताया। कहा कि कुछ लोगों का चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना है, लेकिन ईवीएम ने सभी को जवाब दे दिया। मोदी एनडीए के नेता चुने गए, नीतीश चंद्रबाबू ने समर्थन किया। आपको बता दें नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया है। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद थे। इसके बाद एनडीए ने दोपहर 3 बजे सरकार बनाने का दावा पेश किया। गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पत्र सौंपा। बैठक के बाद मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके घर जाकर मिले। राजनाथ ने प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने इसका समर्थन किया और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया।
जेडीएस अध्यक्ष कुमार स्वामी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समर्थन का ऐलान किया। मोदी 9 जून को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद के तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। खबर है कि मोदी के साथ पूरा मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा।